For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Big Boss का सफर तो खत्म हो चुका है, लेकिन Big Boss के जो contestants हैं, उनके प्रति audience का जो affection है, वो कतई खत्म नहीं हो रहा. और सबसे ज़्यादा affectionate जो जोड़ी रही थी Big Boss के घर में, वो थी सिडनास की जोड़ी. सिडनास की जोड़ी को audience बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी. और उसके बाद से काफी ऐसी अटकलें आ रही थी कि मुझसे शादी करोगे का जब episodes you know reveal होना शुरू हुए, तो ये कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कलर्स के मेकर्स को और मुझसे करोगे कि मेकर्स को ये हिदायत दी है कि शहनाज से कोई भी ज्यादा नजदीक नहीं होगा, शहनाज को कोई टच नहीं करेगा, कोई हग नहीं करेगा, इस तरह की तमाम चीजें. लेकिन एक एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से एक कंटेस्टेंट ने शहनाज का हाथ पकड़ लिया था, उस पर सिद्धार्थ शुक्ला गुस्सा भी हुए थे. अब वापस से एक प्रोमो आउट हुआ है आज, जहां पर इंदीप जो कि कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर के अंदर, यानी कि मुझसे शादी करोगे के घर के अंदर, वहां पर उनसे कहा गया शहनाज को इम्प्रेस करने के लिए. और शहनाज के साथ डांस करते वक्त मैं आपको बता दूं कि उन्होंने शहनाज का हाथ एक बार नहीं बल्कि काफी बार और काफी ज्यादा रोमांटिक डांस इन्वॉल्वमेंट्स नजर आई. अब इस पर सिद्धार्थ शुक्ला का वापस रिएक्शन आया है. जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला वापस से नाराज हो गए हैं कलर्स के मेकर्स से और साथ ही साथ मुझसे शादी करोगी के मेकर्स से. और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शहनाज इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगी अगर इस तरह की हरकतें होती रही तो. ये इतना बड़ा स्टेटमेंट सिद्धार्थ शुक्ला ने दे दिया है ऑन शहनाज बिहाफ. और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं है इस चीज से. और उन्होंने मेकर्स को इस बात से भी वार्निंग दी है कि अगर बार बार इस तरह की चीजें होती रही जिससे शहनाज अनकंफर्टेबल हो रही है, कोई भी मेल कंटेस्टेंट शहनाज के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगा, तो शायद उसकी सजा जो है, उसका रेपरकशन जो है, वो भुगतना पड़ सकता है कलर्स के मेकर्स को. तब ये तो सिद्धार्थ ने दे दी है स्ट्रिक्ट वार्निंग. सिडनास फैंस भी इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है. लेकिन अब आपकी बारी है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि इस चीज पर आपका क्या रिस्पॉन्स है. तब तक के लिए दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.